मोटो जी 5G। दोस्तों ये एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कुछ दिनों से ये एक हाइप क्रिएट कर रहा था, क्योंकि मोटो की तरफ से ये मेंशन किया गया था कि ये इंडिया में एक चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन होने वाला है। तो फाइनली इंडिया में आज मोटो जी 5G लॉन्च हो गया है। दोस्तों ये वीडियो आप लोग एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो हम लोग ओवरव्यू करने वाले हैं मोटो जी 5G का। दोस्तों यार टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ क्लियर कर देना है, मैंने कुछ क्लिप्स की यूज़ किया है दूसरे चैनल से, तो अगर आप लोगों को लगता है कि ये कॉपी है तो आप लोग जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी बॉक्स कंटेंट्स की। तो सबसे पहले हमें मोटो जी 5G स्मार्टफोन देखने को मिलता है, और उसको साइड में रखते हैं तो हमें मोटो की तरफ से एक 20W का फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया गया है, और साथ में एक नॉर्मल USB टाइप सी का केबल भी दिया गया है। और इसको भी साइड में रखते हैं तो साथ में हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिया गया है, वारंटी कार्ड्स और यूजर मैनुअल वगैरह। और बात करते हैं बैक केस की, तो इसमें हमें अलग से नहीं मिल रहा है, और जो स्मार्टफोन आता है वो कवर चढ़ा के ही आता है। तो ये एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तो ये हो गया हमारा बॉक्स कंटेंट्स, अब चलते हैं सीधा फिजिकल ओवरव्यू की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल बटन्स की। तो हमें राइट साइड को पावर बटन के साथ में वॉल्यूम रॉकर्स मिलता है, और लेफ्ट की तरफ हमें एक गूगल असिस्टेंट का बटन प्रोवाइड किया गया है, और उसके थोड़ा ही ऊपर हमें एक सिम ट्रे प्रोवाइड किया गया है। और दोस्तों साइड्स के बारे में तो हम लोग बात कर लिए, आप टॉप की तरफ देखेंगे तो पूरा क्लीनर सिर्फ एक सेकेंडरी माइकोन मिल रहा है, और नीचे की तरफ देखेंगे तो जैसे नॉर्मल होता है USB टाइप सी पोर्ट, 3.5mm जैक, स्पीकर आउटलेट और प्राइमरी माइकोल हमें देखने को मिलता है। और अब बात करते हैं रियर की तरफ, तो रियर में हमें एक मिडिल में मोटोरोला की ब्रांडिंग मिलता है, जिसमें हमें एक फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, और एकदम लेफ्ट टॉप कॉर्नर में एक ट्रिपल रियर कैमरा प्लस फ्लैश की कटआउट मिल रहा है। तो दोस्तों सारे बॉक्स कंटेंट्स और फिजिकल ओवरव्यू के बारे में तो बात कर लिए, अब सीधा चलते हैं स्पेसिफिकेशंस की तरफ। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हो तो क्या कर रहे हो यार, तुम लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, पूछ पूछ के थक गया हूँ भाई, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। जोक्स असाइड, अगर आप लोगों को पसंद आए तो तभी सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों अब चलते हैं स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले की, तो इसमें हमें एक 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस वाला एक IPS डिस्प्ले मिल रहा है, और इस प्राइस पॉइंट में अगर हमें एक AMOLED डिस्प्ले मिलता तो ये एक अच्छा चीज़ होता। और बात करते हैं रिफ्रेश रेट की, तो ये भी नॉर्मल 60Hz का ही है। इस प्राइस में अगर AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड नहीं कर सकते तो मिनिमम 90Hz का रिफ्रेश रेट तो देना ही चाहिए था, पर डिस्प्ले में थोड़ा कमी यहाँ पर देखने को मिलता है। पर एक चीज़ है, इसमें HDR10 की सपोर्ट मिल रहा है, जो थोड़ा सा अच्छा चीज़ है। और बात करते हैं डिस्प्ले कटआउट की, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें एक छोटा सा मिडिल पंच होल प्रोवाइड किया गया है। तो ये तो हो गया डिस्प्ले, अब सीधा चलते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। तो दोस्तों इसका जो हाइलाइटिंग फीचर्स है, इसका प्रोसेसर जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G, और दोस्तों जो एक मिड रेंज कैटेगरी में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस के साथ 5G प्रोवाइड कर रहा है, और इसका जो एंटीटू बेंचमार्क आता है 3 लाख के ऊपर, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस किस लेवल होने वाला है। और रैम स्टोरेज वेरिएंट की तरफ देखेंगे तो इसमें हमें 6GB का रैम और 128GB का स्टोरेज वेरिएंट मिल रहा है, और इसका जो सिम स्लॉट है हमें एक हाइब्रिड टाइप का प्रोवाइड किया गया है, मतलब ये जो सिम ट्रे है इसमें मैक्सिमम 1TB तक microSD कार्ड हम लोग लगा सकते हैं। और बात करते हैं एडिशनल फीचर्स की, तो ये जो स्टोरेज वेरिएंट है हमें UFS 2.1 का स्टोरेज सपोर्ट मिल रहा है, जिसका रीड राइट स्पीड बहुत ही अच्छा है, और जो रैम यूज़ किया गया है LPDDR4X का सपोर्ट मिल रहा है। तो वाइड बैंड सपोर्ट की बात करें तो इसमें हमें L1 सपोर्ट मिल रहा है, जिसके थ्रू आप लोग नेटफ्लिक्स Amazon में फुल HD में कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं, और साथ में इसमें हमें कैमरा 2 API की भी सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपके स्मार्टफोन में GCam वगैरह की पोर्ट्स मिलता है तो आप लोग इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, और अगर नहीं पसंद आए तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर बताना, या फिर इस वीडियो का कौन सा पार्ट आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया वो भी आप लोग नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो अब बात करते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जो कि है गेमिंग परफॉर्मेंस। तो इसमें हाई एंड गेम जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हाई और वेरी हाई पे भी आप लोग इजीली इसको खेल सकते हैं, तो आपका गेम प्ले जो है बहुत ही स्मूथ होने वाला है। तो डिस्प्ले परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस, सारी चीज़ के बारे में तो बात कर लिए। तो इस सब को रन करने के लिए हमें इसमें 5000mAh का एक मैसिव बैटरी प्रोवाइड किया गया है, और जिसको चार्ज करने के लिए हमें 20W का फास्ट चार्जर भी दिया गया है। तो सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में तो हम लोग बात कर लिए, तो अब चलते हैं सॉफ्टवेयर और UI की तरफ। तो बेसिकली इसमें हमें एंड्रॉयड 10 प्रोवाइड किया गया है, और बात करते हैं इस UI की, तो इसमें हमें एकदम क्लियर स्टॉक एंड्रॉयड प्रोवाइड किया गया है, जिसमें हमें कोई भी ब्लोटवेयर एड्स वगैरह नहीं मिलता है, और एक्स्ट्रा कचरा प्री इंस्टॉल ऐप भी आप लोगों को नहीं मिल रहा है। तो ये एक चीज़ मोटोरोला की स्मार्टफोन से हमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और मैंने इन नोट 1 की भी वीडियो में बताया कि जो स्टॉक एंड्रॉयड का स्टोरेज मिलता है वो नॉर्मल कस्टम UIs के जो स्टोरेज मिलता है उससे ज़्यादा मिलता है। तो
तो आप बात करते इसकी कैमरा की, तो इसमें हमें 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा प्रोवाइड किया गया है और फ्रंट में हमें एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है। तो फाइनली बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो जैसे मैंने पहले मेंशन कर दिया था कि हमें सिर्फ एक ही वेरिएंट मिल रहा है 6GB और 128GB और इसका प्राइस है 21,000 और इसका फर्स्ट सेल हमें 7 दिसंबर को दोपहर 12 बजे मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे। तो अब चलते हैं फाइनल ओवरव्यू की तरफ। तो दोस्तों इसका जो परफॉर्मेंस है इस प्राइस कैटेगरी में बहुत ही अच्छा है, और एक चीज़ है जो कि इसका डिस्प्ले, अगर इसमें मिनिमम 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट या फिर एक एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाता तो इसमें हमें कोई भी कमियां नहीं मिलता। तो अगर आपके बजट 20 से 25,000 के आसपास था, अगर आप लोग एक अच्छा परफॉर्मेंस के साथ 5G स्मार्टफोन ढूंढ रहे थे और आपका डिस्प्ले ज़्यादा मैटर नहीं करता, तो आप लोग डेफिनेटली मोटो G5G को प्रेफर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, और पसंद आने पर क्या करना है आप लोगों को पता है, लाइक करना हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और नीचे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताना। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए एज ऑलवेज बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज स्टे अप।